लोग महंगाई से और किन किन चीज़ों से तंग हैं लेकिन अफसोस के साथ के लोग अब अपने पॉलिटिशियंस के रवैयों से भी तंग आ चुके हैं किसी और की बॉडी के साथ किसी और का फेस अटैच करके बनाया गया है टेम्पर किया गया है लेकिन उस वक्त लोगों की हैरत की इंतहा नहीं रही जब आजम स्वाति साहब ने उस वीडियो को सही बताया अचानक से एक शख्स जब टायर को आग लगाने की कोशिश कर रहा था तो फयाजुल हसन चौहान ने उसको जोरदार थप्पड़ दे मारा असलम आईकम मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हफ्ज़ से होंगे खुशबाश होंगे लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं हर शख्स जो है वो अपने ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा है बल्कि उसको कबूल कर रहा है लोग लड़ रहे हैं सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं सोशल मीडिया को भी नहीं बख्शा जा रहा सोशल मीडिया की अगर बात करें तो टॉप ट्रेंड के लिए जो है ना पहचाना जाता है ट्विटर वहाँ पे जनाब जी सियासत की नगरी से तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ एहसन इकबाल और डॉक्टर अरसलान जो कि इमरान ख़ान के सोशल मीडिया हैंडलर हैं उनकी हुई है जी शदीद लड़ाई और क्या लफ्ज़ों की गोला बारी हुई है वो आपको बताऊँगी और आज के वीडियो में आपको बताऊँगी कि फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपनी ही पार्टी के सपोर्टर को मारा जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ के उसके बाद वो फ़याज़ुल हसन चौहान से ही लड़के झगड़ के वहाँ से रैली छोड़ के चला गया क्या मामला हुआ और क्यों उस शख्स ने फ़याज़ुल हसन के ऊपर पेट्रोल छिड़का उसकी भी कहानी आपको बताऊँगी और तीसरा मैंने आपको बताना है जनाब कि आजम सवाती साहब जिनकी एक मुतनाज़ वीडियो सामने आई थी और उन्होंने दो दिन पहले अपना एक वीडियो बयान भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उसको इधारों ने झूठा बताया है कि किसी ने उनको बदनाम करने के लिए उनकी फ़ेक फ़ोटोशॉप वीडियो बनाई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़म सवाती जो हैं वो उसको ख़ुद कह रहे हैं कि वो तो सही है तो क्या ये सारा मामला चलिए शुरू करते हैं पहली ख़बर से सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि एहसन इकबाल जो हैं वो आ, उनकी और डॉक्टर अरसलान की जनाब हो गई है जी शदीद वाली लड़ाई क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको गोली लगी थी और कुछ लोग कहते हैं कि गोली लगी थी कुछ लोग कहते हैं कि गोली नहीं लगी छर्रे लगे हैं कोई कहता है कि इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई एफआईआर दर्ज करने वाले ये कहते हैं कि इमरान खान जिन लोगों का नाम लिखवाना चाहते हैं उस उ, उनके नाम हम नहीं लिखना चाहते क्योंकि इस्टेबलिशमेंट के लोगों के नाम लिखना चाहते हैं और ऐसे में इमरान खान जो हैं उनको जब कहा जाता है कि मुबैया जो भी गोली लगी या छरे लगे तो उनको शौकत खानम में मुंतकिल किया गया जबकि उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया गया तो एहसन इकबाल ने इस हवाले से एक ट्वीट किया और उन्होंने इमरान ख़ान को तंज करते हुए लिखा कि पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर है जो कभी किसी सरकारी अस्पताल में ब्लड टेस्ट नहीं दे सकता और इसकी क्या वजह हो सकती है क्वेश्चन मार्क और आगे उन्होंने लिखा बूझो तो जाने और साथ ही उन्होंने इमोजी भी एक पोस्ट किया अच्छा जी उन्होंने क्यों लिखा इमरान खान को टॉन्ट क्यों किया क्योंकि वो दरअसल इमरान खान की तरफ ये इशारा करना चाह रहे थे कि इमरान खान जो है वो नशा करते हैं और इस वजह से वो अपना ब्लड टेस्ट कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं दे सकते और यही वजह है कि वो शौकत खाना में जाके एडमिट हुए वो किसी और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए डॉक्टर अरसलान खालिद ने उनके रिप्लाई में आगे जवाब दर जवाब यानी कि बहस ब्रा बहस शुरू हो गई डॉक्टर अरसलान साहब आए तो उन्होंने आकर लिखा कि एहसन साहब क्योंकि जवाब में लिखा क्योंकि वह भगोड़ा है लंदन बैठा है और ज़ुकाम का इलाज भी लंदन से कराता है जब पाकिस्तान के किसी अस्पताल में जाएगा ही नहीं तो ब्लड टेस्ट कैसे देगा इतनी वजह काफ़ी है या और बताओ? क्वेश्चन मार्क अच्छा जी फिर उसके बाद दोबारा से ऐसा इकबाल जो हैं वह मैदान में आए और उन्होंने लिखा कि नवाज़ शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज रहे और काफ़ी ब्लड टेस्ट भी उनके हुए कोई और है आ, कोई और है आपको भी पता है यानी वो कहना चाह रहे थे कि ये कोई और है जिसकी मैं बात करूँ और नवाज शरीफ जो हैं वो तो ख़ुद सर्विस हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहे हैं इसके ऊपर डॉक्टर अरसलान ने दोबारा से लफ्ज़ों की गोलाबारी की और उन्होंने लिखा कि अहसन साहब मैंने तो नवाज शरीफ का नाम ही नहीं लिया तो मैंने तो सिर्फ एक भगोड़ा कहा तो क्या आप नवाज शरीफ को भगोड़ा कह रहे हैं और यहाँ से इनका ट्विटर के ऊपर जो है ना टॉप ट्रेंड बन गया तो जनाब अली आ, यही चीज़ें हमारे सियासतदानों की इमिचोरिटीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं और यही चीज़ें जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं आ, लोग महंगाई से और किन किन चीज़ों से तंग हैं लेकिन अफसोस के साथ के लोग अब अपने पॉलिटिशन के रवैयों से भी तंग आ चुके हैं अच्छा फिर बात कर लेते हैं जनाब जी इसी इसना में हम लोग आज़म सवाती साहब की जिनके बारे में अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने रोते हुए आपदीदा होते हुए उन्होंने कहा कि उनकी एक नाज़ेबा वीडियो जो है वो लीक की गई है और वो वीडियो उनकी अपनी सगी बेटी को भेजी गई है और उन्होंने बताया रोते हुए कि उनकी बेटी ने उनको फ़ोन करके बताया कि आपकी और आपकी जो वालदा हैं उन दोनों की वीडियो मैंने देखी है इसके बाद इदारे हरकत में आए और एफ़ के इदारे से ये ऐलान भी किया गया कि आजम सवाती जो हैं अगर वो सच कह रहे हैं तो फौरी तौर पे आकर वो रिपोर्ट दर्ज कराएं लेकिन कहा यह जा रहा है कि आजम सवाती साहब ने कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई बल्कि इदारों ने उसका फ़ारेन्जिक भी करवा लिया और उन्होंने बताया कि वो जो वीडियो है वो सही वीडियो नहीं है बल्कि वो फ़ोटोशॉप्ड है उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी और की बॉडी के साथ किसी और का फ़ेस अटैच करके बनाया गया है टैंपर किया गया है लेकिन उस वक्त लोगों की हैरत की इंतहा नहीं रही जब आज़म सवाती साहब ने उस वीडियो को सही बताया उन्होंने कहा कि ये वीडियो बिल्कुल ठीक है इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें जो हैं उनको टैंपर किया गया है बाकी सारा वीडियो ठीक है तो इसके ऊपर फिर से एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि जब इदारे बता रहे हैं कि वीडियो सही नहीं है आपकी इज़्ज़त बच रही है सब लोगों को पता चल रहा है कि वीडियो सही नहीं है तो आप अपनी इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए क्यों आके लोगों को बता रहे हैं कि नहीं वीडियो सही है ताकि जिसने नहीं भी देखा वो भी आपका वीडियो देखे और एक और चीज़ जो सामने आई है जो बड़ी मशकूक है वो ये है कि आज़म सवाती साहब ने पहले कहा था कि जिस जगह पर उनकी ये वीडियो बनाई गई है वो जगह तो वहाँ की निकली ही नहीं है वो जगह जो बताई गई थी मेरे ख्याल से ालबा अगर मैं भूल नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आसपास उन्होंने कोई लॉजिस्ट बताए थे वहाँ पे रिहाइश होती ही नहीं है तो ये भी उनका एक झूठ जो है वो सामने आया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि वीडियो सही है अच्छा बहरहाल फिर भी उनको कानूनी चारा जोई करनी चाहिए और जिन लोगों ने भी ये घटिया हरकत की है कि उनका वीडियो जो है वो मंजर आम पर लाए हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा क्राइम किया है ये बहुत ही गलत हरकत है जिसे मैं कंडेम करती हूँ अब चलते हैं जी तीसरी खबर की तरफ जो कि फ़याज़ुल हसन चौहान के हवाले से है जैसे कि आपको पता है कि जब से इमरान खान को गोली लगी है उसके बाद से पीटीआई के अंदर ये टास्क दिया गया है एक दो वीडियोस भी लीक हुए हैं जिसमें प्रॉपर तरीके से सबको कहा है कि आपने सड़कें ब्लॉक करनी है रोड ब्लॉक करनी है आग लगानी है टायर जलाने हैं तो फयाज़ुल हसन चौहान जो हैं वो एक रैली में पहुँचे और वहाँ पर श्रका पहुँचे और उन्होंने उनका काम था कि वहाँ पर पे पेट्रोल पे छिड़क के टायरों को आग लगाना लेकिन अचानक से एक शख्स जब टायर को आग लगाने की कोशिश कर रहा था तो फयाज़ुल हसन चौहान ने उसको जोरदार थप्पड़ मारा जिस पे कि वो शख्स काफी हो गया और उसने तुम्हें तु तुम्हारी भलाई के लिए मारा है शख्स ने दोबारा से इस्तफार किया कि मेरी भलाई के लिए थप्पड़ क्यों मारा है बल्कि आपने मुझे इस रैली में आने को कहा था और आग लगाने को कहा था जिसपे फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि जिस वक्त तुम टायर के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे थे पास मैं खड़ा हूँ तुम्हें तो नजर नहीं आता कि तुमने पेट्रोल मेरे ऊपर भी छिड़क दिया उसकी सारी छींटे मेरे ऊपर लगी हैं जब तुम माचिस की तीली लगाओगे वहाँ पे तो वो आके आग जो है मेरे ऊपर भी लग सकती है मेरे मेरा भी जिसम जल सकता है मेरे भी कपड़े जल सकते हैं तो तुमने ये क्या हरकत की है जिसपे कि वो शख्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया और बताया जा रहा है कि उसने वहां पे खड़े बाकी लोगों को भी कहा कि उसके साथ वापस चले खैर कोई और गया या नहीं गया लेकिन वो शख्स जो है वो सख्त नाराज होकर व हसन चौहान को उस भरी महफिल में छोड़कर चला गया तो ये कुछ हो रहा है सियासत में एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं इधर के लोग उधर के लोगों को पटवारी चोरी चोर पता नहीं क्या क्या करप्शन ये वो कहते हैं और इसी असना में हैरत की बात यह है कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब और उनके बेटे का जो ऑफिस है उसके बाहर या उनकी रहायश के बाहर जो है ना वहाँ पे भी जो है ना वो एक तहरीर लिखकर चले गए और वो तहरीर भी बड़ी अजीबोगरीब गरीब सी थी और क्या कहा जा सकता है वो आपको वीडियो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आप देख लें तहरीर खुद ही पढ़ लें तो ये कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में मुझे तो लगता है कि जो श्रीलंका की हालत हुई थी उससे ज़्यादा बदतर इस वक्त पाकिस्तान की हालत है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी भी हमारे इदारे मौजूद हैं रियासत मौजूद है वरना खुदा न खास्ता जो कुछ हो रहा है वो देख के सिर्फ शर्म आती है और कुछ भी नहीं अब आप लोगों की बारी है आइए कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बारे में आप लोग क्या सोचते और समझते हैं मजीद खबरें व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हर किस्मत बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बाद